हाय गाइस, आई वेलकम इन माय ट्यूब चैनल इसके इंग्लिश पाठशाला। गाइस, मैं आज आपको विल बी एबल टू पढ़ाने वाला हूँ। विल बी एबल टू का हिंदी मतलब होगा सकेगा, सकेगी या फिर सकेंगे। इसको जो है एबिलिटी या पावर दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है। जिस तरह से कैन को प्रेजेंट टेंस में उपयोग करते हैं, कुड को पास्ट टेंस में उपयोग करते हैं, उसी तरह फ्यूचर टेंस के लिए विल बी एबल टू का उपयोग करेंगे। ये तीनों ही जो है एबिलिटी दिखाने के लिए उपयोग में किए जाते हैं। प्रेजेंट की एबिलिटी कैन से दिखाते हैं, पास्ट की एबिलिटी कुड से दिखाते हैं और फ्यूचर की एबिलिटी विल बी एबल टू से शो करेंगे। तो दोस्तों, विल बी एबल टू किस तरह से उपयोग में होगा और किस तरह इसके सेंटेंस बनेंगे जो डेली रूटीन में काम में आ सके स्पोकन इंग्लिश में। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। और शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। आपका स्ट्रक्चर क्या होगा? आपका स्ट्रक्चर होगा, पहले लिखना है आपको सब्जेक्ट, फिर लिखना है विल बी एबल टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। पहला सेंटेंस है आपका, तुम खाना खा सकोगे, यू विल बी एबल टू ईट फूड। हम पानी ला सकेंगे, वी विल बी एबल टू ड्रिंक वाटर। वहां 10 किलोमीटर दौड़ सकेगा, ही विल बी एबल टू रन 10 किलोमीटर। वे मोबाइल चला सकेंगे, दे विल बी एबल टू ऑपरेट मोबाइल। तुम हम पेड़ नहीं काट सकेंगे, वी विल नॉट बी एबल टू कट द ट्री। वे पेड़ पर नहीं चढ़ सकेंगे, दे विल नॉट बी एबल टू क्लाइंब एट द ट्री। क्या तुम तैर सकोगे, विल यू बी एबल टू स्विम। क्या बात?